नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज ए प्राइमरी सोर्सेज इन सोशल साइंसेज। हेठ लिखे विचों किन्हां नूं समाज शास्त्र विच प्राइमरी स्रोत नहीं मन्निया जांदा। दो वर्ड सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे मैनूं इहदे विच, प्राइमरी, दूसरा नॉट। प्राइमरी क्यों? क्योंकि एक कंसैप्ट जिहड़ा इस क्वेश्चन च की कंसैप्ट है, मेन कंसैप्ट है जिहड़ा पुछया गया है। दूसरा है कि क्वेश्चन इस दे उल्ट है, आंसर इस दे उल्ट है, नॉट केड़ा नहीं है। ये प्राइमरी पुछया गया है, इट मीनस असी सेकेंडरी सोर्स फाइंड आउट करना है। इट मीनस सानू कंसैप्ट पता होना चाहिए है बेसिकली प्राइमरी सोर्सेज हुंदे की हन। एक्चुअल विच ए एक रिसर्च का क्वेश्चन है, रिसर्च दे स्टेप्स नू समझ लेना चाहिए। पहला तो तुसी ये भी समझ सकते हो कि रिसर्च हुंदी की है। रिसर्च इज सिंपली, इसनू नोट किया जा सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। हुण साइंटिफिक मैथड की हुंदा है, सोशल साइंस विच भी इसनू अप्लाई करन लई कहा जांदा है। साइंटिफिक मैथड जां रिसर्च दे पंज स्टैप्स हन, ये पूछे जा सकते हैं, कितने ना कितने क्वेश्चन च आ सकते हैं। फर्स्ट है स्टैप प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है आइडेंटिफाई की जाती है, प्रॉब्लम नू रिकगनाइज या आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक। दूसरा है उस प्रॉब्लम दे विच हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। हाइपोथेसिस प्रीवियस लिटरेचर नू देख के बनाए जाते हैं कि ए, और मोस्टली एक क्वांटिटेटिव रिसर्च विच बनाए जाते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च विच हाइपोथेसिस डाटा कलैक्शन तो बाद बनते हैं, ये थोड़े मतलब की शायद चीज़ ना हो। चलो क्वांटिटेटिव अप्रोच विच पहला प्रॉब्लम है, हाइपोथेसिस है, तीजा स्टैप डाटा कलैक्शन है, जिदे करके ये मैं स्लाइड तुहानू दिखा रहा हाँ। डाटा कलैक्शन ते थोड़ी जी गल करांगे, डाटा की है, इंपीरिकल एविडेंस थ्रू अपलाइंग टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम सिलेक्टेड सैंपल। टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स की होंगे है, तुहाडे क्वेश्चनर हो सकते हैं, इंटरव्यू ऑब्जरवेशन हो सकती है ना, ये सारे स्केल्स है, टेस्ट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इन्हों अपलाई किया जाता है। हुण ये डाटा दो तरह का हो सकता है, इसनों समझ लो, ये क्वेश्चन आ सकता है तुहानू। एक मैयरेबल डाटा, जिथे वर्ड मैयरेबल आएगा उत्थे नंबर नू याद कर लेना है, एनी सिर्फ गल है। नंबर मतलब कि डाटा नंबर विच होएगा, तो टेंथ विचों किन्ने मार्क्स हैं, जो मैं पूछा न्यूमेरिकल डाटा है तो क्या जी 80%। तीजा शब्द है एक क्वांटिटेटिव डाटा हो गया, मैयरेबल, न्यूमेरिकल, क्वांटिटेटिव। पावल ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग देख लियो, जो वो डाटा सलाइवेशन कलैक्ट करता है उसनों मैयर किया जाता है, सो पावल ऑफ द अप्रोच क्वांटिटेटिव हो गई। किदा ये डाटा किदा मिलना है, ये टेस्ट स्केल्स स्टैंडर्डाइज जिहड़े हुंदे ने उन्होंने अप्लाई करके इकट्ठा किया जाता है। दूसरा है नॉन न्यूमेरिकल, जिन्हों क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं, ये किस तरह इकट्ठा किया जाता है, इस दे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जरवेशन के जरिए, इंटरव्यू के जरिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन न्यूमेरिकल डाटा केड़ा है हेठ लिखे विचों, जा केड़ा टूल नाल नॉन न्यूमेरिकल डाटा कलैक्ट किया जाता है। वर्ड ये भी आ सकता है, क्वालिटेटिव डाटा ज़्यादा पूछा जा सकता है, आंसर वो ऑब्जरवेशन है तो वो होएगा, जो इंटरव्यू है तो वो होएगा। सो डाटा कलैक्शन रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है, और डाटा दे सोर्सेज है, कितने डाटा पिया है, डाटा नू सौखा करना है तो इनफॉर्मेशन तुसी कह सकते हो। अच्छा, साइंटिफिक मैथड का स्टेप नंबर वन प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डाटा कलैक्शन, डाटा एनालिसिस जो डाटा कलैक्ट करांगे, एनालिस करांगे, और डाटा दे बेस ते जिहड़े हाइपोथेसिस बनाए सी उसनों टेस्ट करांगे, उही कंक्लूजन बन जाएंगे। सो ये स्टैप जो फॉलो करते हैं उसनों साइंटिफिक मैथड कहते हैं। हुण मोस्ट इंपॉर्टेंट इत्थे पॉइंट है कि किस तरह डाटा मोस्ट रिलायबल, वैलिड और एक्यूरेट, सही ट्रू डाटा, मैक्सिमम ट्रू डाटा कलैक्ट किया जाए, उसके लिए दो ऑप्शन है साढ़े को, उसनों मैं दो कैटेगरी बन लिया है। इतने मैं लिखा है सोर्सेज ऑफ डाटा, किस तरह हो सकता है सोर्सेज डाटा की है कि एक ह्यूमन बीइंग है उसको इन्फॉर्मेशन पई हुई है, मैं तो कह आया हाँ डाटा नू इन्फॉर्मेशन समझ सकते हो। इतने मैं आई एन एफ लिखता, ब्रेन दे विच पई हुई है ना, हाँ। दूसरी इन्फॉर्मेशन की हो सकता है, इन्हों का एक्सटरनल बिहेवियर हो सकता है, ठीक। सो ए लिविंग बीइंग हो गए, जिथे इन्फॉर्मेशन दिमाग दे विच पई है, इधर रिसर्चर ने जिन्हां दा काम है कि डाटा मोस्ट रिलायबल कलैक्ट करना है, नैचुरली है कि डायरैक्टली उस परसन नू मिलदे हन, जे तां उन्हां दे दिमाग विच इन्फॉर्मेशन है वह बार बार कढ़ाउणी है, उस लई की ए वरतनगे क्वेश्चनस। जे तो क्वेश्चनस ए ओरली मूंह जबानी बोल के करदे हन ते उस नू कहिंदे हां इंटरव्यू, इट मीनस इंटरव्यू करके ये इन्फॉर्मेशन कढ़वाई जाएगी। दूसरा है कि क्वेश्चन नियर अप्लाई किया जाएगा कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चन होएगी, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5
इन्हां दे लिख के आंसर दिंदे ने जां टिक मारदे ने, ठीक है। तीसरा हो सकता है कि इन्हां दा बिहेवियर ऑब्जर्व करना, बिहेवियर इन्हां दा डाटा हो सकता है कि करदे की ने, इस स्ट्रेस विच की करदे, जिवें डिफेंस विच देखा जाता स्ट्रेस दिती जाती है उदों सोल्जर का बिहेवियर किस तरह का होंदा है। सो वो इदां दा डाटा है बिहेवियर नूं करना है तां ना इंटरव्यू ना क्वेश्चनेयर फिर अप्लाई होएगा ऑब्जरवेशन, ठीक। ये टूल्स हो गए डाटा कलैक्शन दे, जेकर डाटा किस तरह का डाटा है उस तरह का टूल होएगा। दूसरी सब साढ़े को डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स दी एग्जाम्पल तुहानू पुछियां जा सकदियां, फॉर एग्जाम्पल लैटरस है तुहानू ओरिजिनल लैटर मिलते हैं, डायरीज है, रिकॉर्डेड स्पीच है, बुक्स है, एग्रीमेंट्स है, दो स्टेट्स के विचकार मान लो एग्रीमेंट होया है, न्यूज़पेपर्स हैं। हाँ, इतने इंपॉर्टेंट होएगा कि न्यूज़पेपर प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है। नोट करने वाली गल है कि हिस्टोरिकल रिसर्च विच न्यूज़पेपर तुहानू 100 साल पुराने भी, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ जाके देखो तुहानू मेरे ख्याल च 100 साल पुराने न्यूज़पेपर मिल जाएंगे कि उस वक्त की 100 साल पहला दी तुसी रिसर्च या कुछ आर्टिकल अपने इशू नाल रिलेटेड समझना है, वूमेन इंपावरमेंट है, वूमेन की हालत की सी उदों, वूमेन एजुकेशन किस तरह से, मान लो इस तरह का कोई इशू है तुसी वो पढ़ते हो तो नैचुरली है 100 साल पुराने न्यूज़पेपर उत्थों इशू कराते जां उत्थे जाके पढ़ते हो, नैचुरली वो तुहाडे लई प्राइमरी डाटा होएगा, लेकिन सेम डाटा साइंस लई सैकेंडरी होएगा। हुण असीं कर रहे हैं लिविंग कर ले हैं, नॉन लिविंग विच ए आ गए ने, मैं अगे जाके इमेजेस इहदियां दिखा देना। हाँ हाँ, तीसरा ऑब्जेक्ट हो सकते ने, डिस्कवरी चैनल विच देखा होएगा कि पिछले जो कोई खंडर है जमीन दे विच्चों कोई ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसका एनालिसिस एग्जामीनेशन किया जाता है। हुण ये डाटा जदों इन्हां तो कलैक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स तो, लैटर है, डायरी है, स्पीच है, बुक है, एग्रीमेंट है, तो इन्हां नूं एग्जामिन किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। इतने इस एग्जाम्पल विच रिसर्चर अते डाटा दे सोर्स दे विचकार तीसरा कोई परसन नहीं आया, इट मीन्स रिसर्चर ने खुद डाटे तक अप्रोच कीती है, रिसर्चर खुद रा डाटा कलैक्ट कर रहा है और ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होएगी और ये डायरेक्ट असेस है, पहुंच है उस सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तक और ये ज़्यादा रिलायबल ते वैलिड होएगा और ये के ओरिजिनल होएगा और रेलेवेंट होएगा। एने शब्द जदों आते हैं तो वह सारे ही प्राइमरी सोर्स अखवाते हैं। जेकर रिसर्चर अते डाटे दे विचकार, डाटा सोर्स दे विचकार थर्ड एक परसन आता है, फॉर एग्जाम्पल ये बुक है, बुक जिस दी लिखी हुई है सीधी बुक ये रीड करते हैं तो प्राइमरी सोर्स होएगा, लेकिन जे ये बुक है बुक ते क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने किया है, जॉन डेवी की बुक है ओरिजिनल, ओरिजिनल बुक इन्होंने पढ़ी तो प्राइमरी सोर्स हो गया, लेकिन ओही बुक ते किसी होर स्कॉलर ने क्रिटिकल एवेल्यूएशन की है, दस्या कि बुक किन्नी चंगी है, किन्नी रेलेवेंट है, कि अच्छा है कि अच्छा नहीं है, तो बुक रिव्यू लिख दिता, तो जो ये इस बुक रिव्यू नू पढ़ते हैं डायरेक्ट उस बुक नू नहीं पढ़ रहे तो ये सैकेंडरी डाटा हो गया। सैकेंडरी डाटा की है कि मिडल विच डाटा अते रिसर्चर दे मिडल विच कोई इन्फॉर्मेशन वाला थर्ड परसन सैकेंड परसन अवेलेबल है जिस दे जरिए इन इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और इसनों याद किद्दां रखना है, वेरी ईजी, सब तो पहला इत्थे लिखांगे प्राइमरी सोर्स क्योंकि क्वेश्चन यह पूछा गया है, एग्जाम्पल साढ़े सामने है, प्राइमरी दा आर मैं कट लिया, कलर बदल लांगा, इत्थे लिखांगा रिसर्चर हिमसेल्फ, हिम और हर सेल्फ, जो तो रिसर्चर खुद डाटा कलैक्ट करता है। डाटा की नेचर की होंदी है, आर फॉर रा डाटा और रा इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन दा फिर मैं एफ चक लिया, मैं लिख लिया फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, डी मैं चक लिया, लिख लिया डायरेक्ट असेस ऑफ सब्जेक्ट, डायरेक्ट असेस जिस तो डाटा कलैक्ट करना है। अच्छा, सोर्स दा मैं ओ चक लिया, सोर्स दे ओ नू मैं इस तरफ दी इधरों दी कढ के इत्थे ले आया, ये लिखन लई ओ फॉर डाटा ओरिजिनल है एंड रेलेवेंट है। अच्छा, इत्थे नाल ए तो प्लस कर सकदा है, ये ज्यादा एक्यूरेट है।
ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਧਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਿਆ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚਰ ਖੁਦ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਹੋਏਗੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਓਰਿਜਨਲ ਅਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਓਰਿਜਨਲ ਜਾਂ ਐਰਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਉਸਦਾ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਇਹ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੈ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੋਪਿਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਲੱਭਣੇ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਰਟੀਫੈਕਟ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੋਰਸ ਆਫ ਡਾਟਾ ਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਖੁਦ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਜਿਸਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜੋ ਪਰਸਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜੇ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਓਰਿਜਨਲ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਕਾਪੀ ਕੁਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਡਾਟਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਬੁੱਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਜੌਨ ਡੀਵੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਓਰਿਜਨਲ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਦੀ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਾਊ ਵੀ ਥਿੰਕ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਂਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫਿਲੋਸਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋ ਇਹ ਓਰਿਜਨਲ ਬੁੱਕ ਜੋ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਹਾਊ ਵੀ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਮਾਈ ਪੈਡਾਗੋਜਿਕ ਕ੍ਰੀਡ ਚਲੋ ਇਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਊ ਵੀ ਥਿੰਕ ਓਰਿਜਨਲ ਬੁੱਕ ਸੀ ਉਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਮੈਂਟੋ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੌਨ ਡੀਵੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਐਵੈਲੂਏਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਔਰ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਮੀਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਤੇ ਰਿਸਰਚਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਇਹ ਅੱਛੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਕ ਰਿਵਿਊ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸੋਰਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਉਸਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
मोस्टली जो है सेकेंडरी सोर्स विच वर्ड जिहड़े या बार बार यूज़ किए जाते हैं इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन। जे किसी ने इंटरप्रिटेशन ते एनालिसिस किसी सोर्स का किया हुआ तो सेकेंडरी डाटा ही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SST पैडागोजी चो ही है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन स्किप करके चुकया है क्योंकि ये देखिए कि जो पिछले क्वेश्चन विच असी लर्न करके आए हाँ उसको जनरलाइज या अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होएगी। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट इन सोशल साइंस इन ए सीक्वेंशियल मैनर, समाजिक विज्ञान की प्राप्ति प्रीख्या के निरीक्षण के हेठले पड़ावों क्रमवर्च करना है। क्रमवर्च करने की है, असी जो पिछे देख के आए हैं कि वो कुछ है कवरेज ऑफ सिलेबस और कंटेंट, कंटेंट इसनों मैं कर लिया, लेकिन ये पिछे जो करके आया नहीं है। डिसीजन अबाउट टाइम नहीं है। प्रेपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट यस है, असी कीता सी ब्लू प्रिंट, प्लैनिंग जो सी, प्लैनिंग जो सी उसनू ब्लू प्रिंट का दूसरा शब्द वरत्या सी, हुनी देख लेने हैं। सो प्लैनिंग है। ऑर्गनाइजिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स ऑफ क्वेश्चन, ऑर्गनाइजिंग एंड अरेंजिंग आइटम्स ऑफ क्वेश्चन जी ये भी नहीं है, सर्कल वाले नहीं है, लाइन वाला है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कोई भी अरेंज करने वाला क्वेश्चन जो है उदे विच इस तरह नहीं हो सकता कि स्टार्टिंग फेज का कोई एलिमेंट ना दिता होवे। इहदे विच हुण साडे कोल ऑब्जेक्टिव्स एकदम जो आए हैं 100% मैं उदे कहा सी ये जरूर होणगे, गोल होया हैगा जां परपज दिते होणगे, कुछ उद्देश है, टीचा है, है ना, कोई होर शब्द यूज किया जा सकता है, लेकिन है। और ये पक्की गल है कि 100% है कि ये फेज वन च ही होने हैं। जेकर होर ये रिलेटड फेज वन का कोई नहीं मिलता बिल्कुल, तो ये ऑब्जेक्टिव पहले नंबर, नॉर्मली ऑब्जेक्टिव्स उद्देश पहले नंबर पर ही आते हैं। अच्छा, डिसीजन अबाउट टाइप्स ऑफ आइटम, सो मैनू ये लगा है कि हुण तक जे मैं जल्दी सॉल्व करना है मैनू ऑब्जेक्टिव्स मिल गए हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर मैं देखा है कि यह नंबर वन पर होएगा, रैंक पर नंबर वन पर रैंक पर पहले तो मिलया है, तीजा नहीं है, दूजा नहीं है, केड़ा है इत्थे पंजवां है, इत्थे भी नहीं है, पंजवां इहदे विच है, इहनू मैं तीन बारी अंडरलाइन करता, पंज बारी अंडरलाइन करता। सो मेरा शक इत्थे पूरा चला गया है कि यही राइट आंसर होएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव इस तो शुरू होंदे हन। जेकर टाइम तुहाडे कोल घट है तो एने नाल सैटिस्फाई होकर तुसीं अगे चल सकते हाँ, वेरीफाई इस बेस से कर सकते हाँ कि इस तो बाद वन है, इस तो बाद वन है कि कवरेज ऑफ द सिलेबस होएगा। जदों तुसीं ऑब्जेक्टिव सैट करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या है कि मैं 8वीं जमात के सोशल साइंस के जां हिस्ट्री के आ दो यूनिट लई जो है अचीवमेंट टेस्ट बनाना है और मेरे स्पेसिफिक परपज बनाने दे ए मैयर करना होएगा बच्चों की ए वाली एबिलिटी, ए वाली एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग, है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी मुताबक वो बन गया। उस तो बाद हुन नैचुरली है कि उस चो कंटेंट सिलेक्ट किया जाएगा। कंटेंट किदा सिलेक्ट किया जाता है, दो यूनिट ने उहदे की एरियाज की आस्पैक्ट कढ़े जाते हैं जिन्हां दे बेस ते क्वेश्चनस बनते हैं, सेंट्रल पॉइंट इंपॉर्टेंट नॉलेज कीड़ी है ओ चुने जाते हैं, वो आधार पर क्वेश्चन बनने होंगे ने। सो ये दूसरा लग रहा है ठीक होएगा। फिर है छेवां, डिसीजन अबाउट टाइप ऑफ आइटम। जे मैं हुण नैचुरली है कि कंटेंट ले लिया, सिंपल गल है कि मेरे को कंटेंट आ गया, सब्जेक्ट मैटर आ गया कि ए वाला यूनिट और ए वाला यूनिट करना है, नैचुरली हुण मैं किन्ने इहदे विचों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने ने, सब्जेक्टिव टाइप, शॉर्ट आंसर। सो मैं निश्चित करदा हाँ कि किस टाइप दे होंगे। इस लगभग एना वेरीफाई करने तो बाद यकीन करके अगले क्वेश्चन ते चले जाना चाहिए है। वैसे देखना है तो अगला आ रहा है सेकंड, डिसीजन अबाउट टाइम कि हर क्वेश्चन नू करन दा सब्जेक्टिव टाइप लई मैं कितना टाइम रखना है, 10 मिनट एक क्वेश्चन लई, है ना, ऑब्जेक्टिवली 1 मिनट एक क्वेश्चन लई, शॉर्ट आंसर 2 मिनट एक क्वेश्चन लई, टाइम डिसाइड करते हो। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, और प्रेपरेशन ऑफ ब्लू प्रिंट, हूँ जाके प्लैनिंग हुई है। ब्लू प्रिंट वैसे इतने मतलब की बनता है, टेबल ऑफ स्पेसीफिकेशन हों, टेबल ऑफ स्पेसीफिकेशन दे विच पूरा इस तरह टेबल बनता है, टेबल दे विच
ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਚੈਪਟਰ 1 ਨੈਚੁਰਲੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਚੈਪਟਰ 3 ਚੈਪਟਰ 4 ਚੈਪਟਰ 5 ਔਰ ਇਧਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਹੈ ਨਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋ ਏ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਰਹੇ 3 ਏ ਬਣ ਰਹੇ ਆ 0 ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ 1 ਆ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਮਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਬਲੂਮ ਦੀ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਟੇਬਲ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ओके नेक्स्ट है अच्छा लास्ट है फिर बचदा के ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन ये हुण सैकेंड मिड फेज विच आ गया आपां ये देख लिए कि आपां पिछे की करके आए सीगे उससे दी रिवीजन किन्नी हो रही है ये जो पिछे करके आए सी इहदे विचों कुछ अप्लाई नहीं होया सिर्फ अप्लाई होया है ऑब्जेक्टिव्स और कल्ले इससे ही एक आस्पेक्ट ने सारा कुछ सॉल्व कर दिता ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸਟੈਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁੱਟ ਸਟਾਰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਉਹਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਸਟੈਪਸ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਐਂਡ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਆਂ ਆਈਟਮ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤੋਂ ਵਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ SST ਦਾ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ 10 ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਟਮਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਈਟਮ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਈਟਮ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨੋਰਮਸ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਗਏ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੋ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਸੈਂਟਰਲ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।